दोस्तों, आपका अपने चैनल ABC कंपटीशन में स्वागत है। आज मैं आपको क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ सवाल कराऊंगी। पहले मैं उसके आपको बेसिक फॉर्मूले वगैरह बताऊंगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम देखते हैं। यह एक समानांतर चतुर्भुज की ऊँचाई दी है आपको 8 सेंटीमीटर और आधार दिया है आपको 18 सेंटीमीटर। तो आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे देखते हैं। आपको ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर और आधार कितना है आपका 18 सेंटीमीटर। तो इसका समांतर चतुर्भुज का जो है फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू में आपका ऊंचाई। आधार है आपका 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करें, 18 का 8 में इंटू कर दें, 18 × 8 = 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो है आपका समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकलेगा आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, एक सम चतुर्भुज की एक भुजा आपको दी है 5 सेंटीमीटर है और विकर्ण आपको एक विकर्ण दिया है उसका 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें, सम चतुर्भुज ये आपका एक सम चतुर्भुज है चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। तो ये तो इसकी प्रत्येक भुजा आपको दी है, मतलब एक भुजा दी है 5 है तो प्रत्येक 5 है और एक विकर्ण जो है उसको वो आपको कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो जो आपको दूसरा विकर्ण है जो आपको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से देखें, ये आपका एक त्रिभुज बनेगा इतना। तो यहाँ पर हम ये आपका कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका ये आपका लंब और ये आपका आधार लंब स्क्वायर और ये आप कर्ण निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा A, B, C ये आपका D, ये आपका O है। तो गोरखपुर में से करना पड़ेगा कुछ वाले। आपको सवाल दिया है, एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लें, सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। ये आपका एक सम चतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा आपको दी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके दो विकर्ण हैं D1 ये आपका D2। तो एक विकर्ण जो है वो आपको कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा आपको ज्ञात करना है। तो मान लें आपका ABCD सम चतुर्भुज है, यहाँ पे हम मान लें O है। यहाँ यदि हम आपको देखें यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर आप यह आपका पूरा विकर्ण था तो आप इसकी AO की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका AO बराबर कितना हो जाएगा 1/2 × में आपका AC आपका कितना था 1/2 × में आपका 8। तो 1 × 2 = 8। तो AO है वो आपका कितना निकल आया 4 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं इसका, यह आपका एक त्रिभुज है ए ओ बी। पाइथागोरस प्रमेय से वही आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी है आपका कर्ण, ये आपको लंब दिया तो आपको आधार ज्ञात करना है तो यहाँ से हम देख लें ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आपका 5 का स्क्वायर माइनस में आपका 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16, कितना बचेगा आपका माइनस करेंगे तो 25 में 16 माइनस किया तो 9, तो यहाँ पे आपका ओ बी कितना है ओ बी का स्क्वायर चल रहा है इसलिए आपने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लगा तो ये कितना आया ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको इसका विकर्ण ज्ञात करना है, ये सिर्फ आपका ओ और बी का मान आया तो ये क्या होगा इसका दुगना होगा तो हम यहाँ पे बी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका टू इंटू में आपका 3, कितना निकलेगा आपका 6 सेंटीमीटर, मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आई आपकी 6 सेंटीमीटर और पहला विकर्ण कितना था आपका 8 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। अब हमको इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन टू इंटू में आपका डी वन मतलब विकर्णों का गुणनफल डी वन इंटू डी वन, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू में आपका पहला विकर्ण था आपका 8 और दूसरा विकर्ण ज्ञात हुआ आपका 6, तो आप इसे इससे कैंसिल कर दें 2 3 6 कितना बचा आपका 8 इंटू 3 8 × 16 = 24, कितना आया आपका समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका ज्ञात हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।